बोल रहे बैठा देते हैं किसको बता रहे हो अरे फोन लगा जी कौन बोलो क्या नाम है रे तुम आरोप लगा दिया पुलिस वालों को 5000 पुलिस वाला नहीं बोले हम बोले कि आपके पैसा 20 रुपया डेली लगे जा तुम लोग घटाते हैं फिर लगा लेता है कितना ही मतलब आज के बाद तुम्हारा नहीं लगेगा अब हम छोड़ेंगे हम फिर मैंने उठा के बता देगा हम बता हटाएंगे और तुम लगाओ लगे ये सब हुआ हाथ की समझ जाएगा अगर मशीन लगा के उलट देगा फिर बोलिएगा कि आम जनता पर बर्बरतापूर्वक हो रहा है अब बार बार लगा रहे हैं ये तो तमाशा गलत है आप छोड़ रही है सर 10 मिनट के भागो तक टोटल हटवा लीजिए कल सुबह फिर कोई एक्सक्यूज नहीं दिन अपने नहीं करेगा बात सही है सामान उठा के ले जाएंगे तुरंत आप ही लोगों का नुकसान होगा ना मेरा होगा आप लोगों को कहते हैं समझिए समझेगा कैसे आपके कहने से नहीं समझ रहा है इसका उपाय क्या यही है ना तब वन लास्ट अगर यदि आप लोग उसी पे यदि मैं ना हुआ आपका वही कर रहा कहाँ मकान मालिक करने हम उससे सर जिस तरीके से शहर में बार बार अतिक्रमण हो रहा है और बार बार हटाना पड़ रहा है तो क्यों नहीं सर एक मुकम्मल व्यवस्था इन लोगों को दे दिया जाए ताकि इस तरीके का झमेला ना पड़े इन लोगों को देखिए इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से जो कदम कदम उठाए जा रहे हैं कि लोगों को यहाँ खास करके जो पब्लिक आ रही है उनको खास परेशानी ना हो और सभी लोग अपना व्यवसाय को व्यवसाय की तरह अपनाएं किसी के चलते किसी को दिक्कत नहीं और सर अभी कुछ लोग हैं कि मेला भर हम लोग ठेला वहाँ पर लगा रहे थे अब मेला में वहाँ ठेला नहीं लगाएंगे तो हम लोग को भूखे मरने की नौबत आएगी नहीं उसके लिए प्रशासन पहल कर रही है ऐसा नहीं है कि मतलब जहाँ तहाँ ठेला लगा करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए ठेला लगाइए लेकिन एक जगह पर लगाइए ताकि आप कभी दुकान चलता रहे और लोगों को परेशानी भी न हो सर ये क्या अतिक्रमण अभी हटेगा या फिर 10 दिन बाद फिर जैसे था वैसे हो जाएगा यही आपकी बार परमानेंट रहेगा इस संबंध में जो लोकल प्रशासन है वो डिसीजन ले पाएंगे तो इस संबंध में कोई जानकारी लेकिन फिर बार बार लग जा रहा है अभी कुछ ऐसे भी दुकानदार थे जिन्होंने कहा कि 5000 रुपया पर मंथ प्रशासन को देते हैं अब कौन प्रशासन को क्यों 5000 देता है वो ही उसी से पूछिए हमको तो जानकारी इसका नहीं है लेकिन मेरा मकसद है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त तो सर जिस तरीके से अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं क्या ये आज होगा फिर इसी तरह होगा नहीं मेरा प्रयास रहेगा अभी अतिक्रमण मुक्त ही हमेशा रहेगा मतलब अब दोबारा अतिक्रमण देखने को नहीं मिला नहीं।